हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इन ए न्यू व्लॉग एट ए न्यू प्लेस। एंड वी आर ऑन ए टू एंड हाफ डेज ट्रिप ऑफ मैसूर फ्रॉम बैंगलोर, एंड दिस इज अवर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेवल। एंड हम लोग ऑलमोस्ट मैसूर पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हम लोग ऑन द वे टू मैसूर केआरएस डैम रुके हैं। केआरएस डैम इज इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ मैसूर, लगभग 20 किलोमीटर है मैसूर सिटी सेंटर से केआरएस डैम। एंड दिस इज दी बैक वाटर्स ऑफ केआरएस डैम। वो रही हमारी बाइक, वी आर ट्रेवलिंग बाई बाइक, और वहां पे वो जो एक दीवार दिख रही है वो है केआरएस डैम। सो केआरएस डैम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट डैम ऑफ कर्नाटका, एंड ऑफ कोर्स कावेरी नदी पर है, एंड इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कृष्णराज सागर डैम। डैम में पब्लिक एंट्री अलाउड नहीं है। हम लोग बेंगलोर से उस साइड से ही आए हैं, और वो वहाँ पे इस डैम का गेट है। एंड हम लोगों ने गेट के पास पूछा तो उन्होंने बताया कि डैम के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोग उसी रोड पे आगे बढ़ के ढूंढ रहे थे, शायद कहीं से कोई कच्चा रास्ता मिल जाए पानी के पास तक जाने का, एंड वी फाउंड वन। तो थोड़ा सा डैम के मेन गेट से आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे कुछ कुछ रास्ते आपको मिल जाएंगे टूवर्ड्स दी वाटर, एंड यू कैन गो इन वन ऑफ देम। सो हम लोग अभी पानी के एकदम पास आ गए हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुनसान सी हरी भरी जगह है। यहाँ पे पीछे कुछ कुछ टेम्पल्स भी हैं, अबेंडेंड टेम्पल हैं, और ये पीछे बहुत ही बड़ा कावेरी नदी पर केआरएस रिजर्वायर है। इसको केआरएस बैकवाटर्स भी कहते हैं। और इस डैम के पीछे की साइड ही फेमस वृंदावन गार्डन है, बट यहाँ से वृंदावन गार्डन जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पॉइंट से जहाँ हम अभी हैं, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर का एक सर्कल लेके फिर वृंदावन गार्डन पहुँचा जा सकता है। सो नाउ वी आर इन अदर साइड ऑफ द डैम टुवर्ड्स दी रिजर्वायर साइड, एंड दी वृंदावन गार्डन इज ऑन दी अदर साइड जहाँ पे डैम के गेट्स ओपन होते हैं। सो देखते हैं, वृंदावन गार्डन बाद में जाएंगे, अभी तो हम लोग इस डैम की खूबसूरती इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैसूर सिटी पहुँचेंगे। तब तक होटल में हमारा चेक इन टाइम भी हो जाएगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर ट्रिप। तो मैसूर पहुंच के सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया, वहाँ पे सामान रखा, और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं चामुंडी हिल। एंड होटल में आपको बाद में दिखाऊंगा, वो इन्फो बाद में दूंगा। एंड दिस इज चामुंडी हिल, वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस हिल, एंड व्हाट ए फैबुलस फैंटास्टिक रोड टू रीच हियर। बहुत ही अच्छी 4 लेन जबरदस्त रोड बनाई हुई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये चामुंडी हिल मैसूर के सदर्न साइड पर है, और यहाँ पे हिल के टॉप पर चामुंडेश्वरी माता का टेम्पल है, और उसी टेम्पल की वजह से इस हिल का नाम चामुंडी हिल पड़ा। और ये चामुंडेश्वरी टेम्पल मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल मेंटेन्ड दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉपर बहुत ही अच्छी 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर पार्किंग है। मैंने आज तक किसी भी टेम्पल में इतनी अच्छी डेडिकेटेड पार्किंग नहीं देखी है, और काफ़ी लोग आए भी है यहाँ पे विजिट करने। वीकेंड नहीं है फिर भी काफ़ी भीड़ दिख रही है, काफ़ी 2-व्हीलर्स एंड कार्स दिख रही हैं। तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल ये साउथ इंडिया का चामुंडेश्वरी टेम्पल यहाँ चामुंडी हिल पे, इसलिए शायद यहाँ पे इतनी अच्छी पार्किंग बनाई है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, काफ़ी मेंटेन करके रखा है इस जगह को। सो अभी अंदर चलते हैं टेम्पल के अंदर। टेम्पल दोपहर में बंद हो जाता है 1.5 घंटे के लिए, 2 से 3:30, तो अभी 3:30 बजने वाला है, उसके बाद टेम्पल ओपन होगा। सो हम लोग अभी टेम्पल के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं सबसे पहले। तो दर्शन कर लिए हमने माँ चामुंडेश्वरी के, वो मेरे पीछे टेम्पल है, टेम्पल का गोपुरम, एंड काफ़ी जल्दी दर्शन हो गए, 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। भीड़ है लेकिन चलती जा रही है भीड़, बहुत ज़्यादा भी भीड़ नहीं है, एंड अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है भी तो उसके लिए फिर यहाँ पे टिकट एंट्री भी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। सो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ चामुंडेश्वरी टेम्पल के आगे ही एक और टेम्पल दिख रहा है मुझे, महाबलेश्वर स्वामी टेम्पल, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। तो 2 टेम्पल और हैं एक्चुअली यहाँ पे, महाबलेश्वर स्वामी और नारायण स्वामी, बट ये दोनों ही टेम्पल बंद हैं। सो अभी भी बस यहाँ पे घूमते हैं इस हिल के ऊपर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं।
तो यहाँ चामुंडी हिल के टॉप पर छोटा सा सेटअप है, मंदिर के पीछे कुछ घर हैं, शायद वो घर ये दुकान वालों के होंगे जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह लगाते हैं, और मंदिर के पुजारी वगैरह हो सकता है यहाँ पे रहते हों। और मंदिर के आगे बहुत ही वाइब्रेंट मार्केट है, बहुत रौनक है वहाँ पे, बहुत सारी शॉप्स हैं, और यहाँ पे स्पेशली वो लकड़ी के खिलौनों की काफ़ी सारी शॉप्स हैं, क्योंकि मैसूर में और मैसूर के आसपास के एरिया में ये लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस है। एक्चुअली मैसूर के पास अबाउट 50-60 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर एक छोटी सी सिटी है चन्नापटना, जिसको टॉय सिटी भी कहते हैं, तो वहाँ पे ये खिलौने बनते हैं। तो ये मैसूर के अराउंड काफ़ी सारे इस तरह के शॉप्स मिल जाएंगे, सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर मैसूर के इन एंड अराउंड इस तरह के लकड़ी के खिलौनों की बहुत सारी दुकानें मिलती हैं। तो ये मैसूर और चामुंडी हिल की एंशियंट हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि आदिकाल में एक राक्षस था महिषासुर, वो इस जगह पर राज करता था जहाँ पे ये मैसूर सिटी है, यहाँ पे महिषासुर का राज था। और जब उसका बहुत ज़्यादा अत्याचार यहाँ पे बढ़ गया था, तो लोगों ने फिर माँ पार्वती की तपस्या की थी, तो फिर भक्तों से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने यहाँ पे इस जगह पर चामुंडी हिल के ऊपर माँ चामुंडेश्वरी के रूप में अवतार लिया था और महिषासुर का वध किया था। इसलिए माँ पार्वती के एक अवतार को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। तो वहीं से ये चामुंडी हिल पॉपुलर हुआ, इसलिए यहाँ पे चामुंडेश्वरी माता का मंदिर है। और वहीं से इस जगह का नाम पहले महिषासुर पड़ा, उसके बाद फिर मैसूर पड़ा, उसके बाद फिर एट लास्ट मैसूर पड़ गया। सो दिस इज़ दी एंशियंट हिस्ट्री अबाउट दिस प्लेस जो कि मैंने नेट पर पढ़ी थी। तो अभी जब हम लोग ये चामुंडी हिल पर बाइक से क्लाइंब कर रहे थे, तो रास्ते में एक मैसूर व्यू पॉइंट दिखा था ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड, दूसरी साइड यानी कि यहाँ से लौटते साइड वो मिलेगा। तो वैसे तो काफ़ी सारे व्यू पॉइंट दिख रहे हैं, ओपन व्यू पॉइंट हैं मैसूर सिटी जहाँ से अच्छी दिख रही है, अच्छा व्यू मिल रहा है मैसूर सिटी का, बट वहाँ पे एक डेडिकेटेड व्यू पॉइंट बनाया हुआ था, एक छोटी सी शेड भी बनाई हुई थी। तो अभी जाते टाइम वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ अवर सेकेंड डे इन मैसूर एंड वी आर राइट नाउ एट अवर होटल। सो कल शाम को हम लोग चामुंडी हिल देखने के बाद होटल वापस आ गए थे, सनसेट भी हो गया था, तो उसके बाद कुछ और नहीं देखा था। एंड दिस इज़ अवर सेकेंड डे हियर। सो ये हमारा होटल है, होटल प्रीति इंटरनेशनल, अच्छा होटल है, काफ़ी डिसेंट सा होटल है, और ये होटल ऑलमोस्ट मैसूर के सेंटर में है। यहाँ से मैसूर पैलेस लगभग 2.5 किलोमीटर है, मैसूर जू भी उतने ही डिस्टेंस पर है। सो लोकेशन वाइज भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है टूरिस्ट प्लेसेस से, एंड फैसिलिटी वाइज भी अच्छा है होटल। 3-4 कैटेगरीज के रूम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन, कारपेट एरिया भी अच्छा है। सो अ गुड डिसेंट प्लेस टू स्टे इन मैसूर। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एक चर्च जा रहे हैं, मैसूर में एक बहुत ही पॉपुलर चर्च है, सेंट फिलोमिना चर्च। सेंट फिलोमिना एक बहुत ही रिवर्ड सेंट थी, उनके नाम पे ये चर्च है। तो सबसे पहले हम वो चर्च जा रहे हैं, ये हमारे होटल से बस 350 मीटर पर है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। और मैसूर में अगर शॉपिंग की बात की जाए, तो शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। सबसे पहले तो जो वुडन टॉयज मिलते हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, वो हर टूरिस्ट प्लेस के बाहर मिल जाएंगे इन एंड अराउंड मैसूर। एंड ऑफकोर्स मैसूर में मैसूर सिल्क फेमस है, तो मैसूर सिल्क पूरे इंडिया में फेमस है, एंड स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में तो मैसूर सिल्क बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो सिल्क के कपड़े ले जाते हैं, सिल्क की साड़ियाँ ले जाते हैं। एंड मैसूर में आपको बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे बड़े बड़े सिल्क एम्पोरियम्स मिल जाएंगे। तो हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसके आसपास भी हमको 2-3 सिल्क एम्पोरियम दिखे। एंड स्पेसिफिकली जब हम लोग कल चामुंडी हिल जा रहे थे, तो वो जो लास्ट रोड है जहाँ से घाट शुरू होता है उस रोड के बाद, उस रोड पर बहुत सारे सिल्क एम्पोरियम दिख रहे थे। सो देर आर लॉट ऑफ सिल्क एम्पोरियम यू विल फाइंड इन मैसूर। एंड चलते चलते देखिए चर्च तक भी पहुँच गए हैं, तो आप पहले चर्च घूमते हैं फिर बात करते हैं। तो चर्च बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव है, और सामने जो दो काफ़ी ऊंची ऊंची सी टावर्स हैं वो इसको एक बहुत ही ग्रैंड लुक दे रही हैं। तो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, और सामने से ये दो टावर्स के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इस चर्च के अंदर बेसमेंट में सेंट फिलोमिनास की एशेज भी रखी हैं, जहाँ पर पब्लिक का जाना अलाउड है, वहाँ पर विजिट करने दे रहे हैं हम लोगों को। एंड चर्च के बाहर बगल में ही एक कन्वेंट स्कूल भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेंट फिलोमिनास चर्च। अभी थोड़ी देर रुक के यहाँ पर इसकी ब्यूटी को, इसके आर्किटेक्चर को और एडमायर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं मैसूर में अपनी नेक्स्ट जगह। अब हम जाने वाले हैं मैसूर की सबसे पॉपुलर जगह, मैसूर पैलेस।
सो हियर वी आर इनसाइड द मैसूर पैलेस। तो मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पैलेसेस हैं और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन पैलेस है वो यही है मैसूर पैलेस। तो ये एक्चुअली यहाँ की जो मैसूर की जो रॉयल फैमिली थी, जो वोडेयर्स फैमिली थी, मैसूर के राजा थे जो, उनकी ये रॉयल रेसिडेंस है मैसूर पैलेस। यहाँ पे ही उनकी फैमिली रहती थी एंड काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन हैं एंड बहुत ही बड़ा पैलेस है और बीच में उनका एक रॉयल रेसिडेंस है। तो एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को एंड फिर रॉयल रेसिडेंस के अंदर चलेंगे। सो दैट वॉज टू स्टोरीड म्यूजियम इनसाइड द मेन बिल्डिंग ऑफ मैसूर पैलेस। और रॉयल अकोमोडेशन इस म्यूजियम के अंदर नहीं है, रॉयल विंग अलग से है लेकिन वहाँ पे पब्लिक की एंट्री अलाउड नहीं है, क्लोज्ड है वो। और इस मैसूर पैलेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मेन बिल्डिंग के आसपास कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं एंड दैट्स द होल थिंग इन दिस मैसूर पैलेस कॉम्प्लेक्स। ये मेरे पीछे मैग्निफिसेंट पैलेस और वहाँ पे मैसूर पैलेस का जो सेकंड फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर में एक्चुअली वो एक व्यूइंग एरिना है। तो ये जो सामने पैलेस के सामने ये बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे जो फंक्शन वगैरह होते थे वो व्यूइंग एरिना से वो सब यहाँ पे देखा जाता था। तो उस व्यूइंग एरिना से ये चारों तरफ का बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है। सो ये जो मैसूर पैलेस अभी हम लोगों को कंक्रीट का दिख रहा है, ये एक्चुअली में इनिशियली एक वुडन पैलेस था, वुड का बना हुआ था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इसमें एक फायर एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद ये जल गया था, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद इसको काफी सालों तक रिनोवेट किया गया, आई थिंक 10-15 साल लगे इसको रिनोवेट होने में। एंड मीनवाइल जब तक ये रिनोवेट हो रहा था तब तक जो रॉयल फैमिली थी वो एक दूसरे पैलेस में जाके रहती थी, उसका नाम है जगन मोहन पैलेस। वो जगन मोहन पैलेस भी मैसूर पैलेस के पास में ही है। तो रॉयल फैमिली का वहाँ पे स्टे था ड्यूरिंग द टाइम दिस मैसूर पैलेस वाज बीइंग रेनोवेटेड। और जब ये रेनोवेशन हुआ तो उसके बाद फिर इसको कंक्रीट का बनाया गया। सो मैसूर पैलेस के बाद हम लोग जगन मोहन पैलेस आए, ये मैसूर पैलेस से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है, ये रॉयल फैमिली का टेम्परेरी रेसिडेंस था। तो उसके बाद ये जगन मोहन पैलेस को अभी आर्ट गैलरी बना दिया गया है। तो चलते हैं अब इस जगह को घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड 60 रुपीज़ का एंट्री टिकट है यहाँ पे, टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 5:30। सो हम लोगों ने ये आर्ट गैलरी घूम ली और इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं था तो कुछ भी मैं दिखा नहीं पाया, बट आई मस्ट से बहुत ही अच्छी आर्ट गैलरी है, बहुत ही अच्छा आर्ट कलेक्शन है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स रियली अमेजिंग। 3 फ्लोर में है गैलरी एंड ए वास्ट कलेक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। एंड अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको ज़रूर कवर कीजिए, मैसूर पैलेस के पास ही है, 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो डेफिनेटली एक देखने लायक चीज़ है, आराम से 1-1.5 घंटा बिताया जा सकता है। हम लोग भी 1 घंटे से घूम रहे हैं यहाँ पे अंदर एंड वेरी नाइस। तो इस गैलरी के अंदर रॉयल फैमिली की, वोडेयर फैमिली की पूरी हिस्ट्री ट्री भी रखी हुई है, पूरा कौन कौन से किंग ने यहाँ पे रूल किया है, वोडेयर फैमिली के किंग ने थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। एंड यहाँ से मुझे पता चला कि वोडेयर फैमिली ने मैसूर में 1399 AD से 1974 AD तक रूल किया है विद 25 डिफरेंट किंग्स अलॉन्ग दी लाइन। तो वोडेयर फैमिली का मैसूर में 575 ईयर्स तक रूल रहा है, 25 किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है एंड 575 ईयर्स, दैट इज़ ए वेरी मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम टू रूल इन ए सिटी। तो मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि इतने सालों तक यहाँ पे वोडेयर फैमिली ने रूल किया, 650 साल तक, बट एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया कोई जानता ही नहीं है वोडेयर फैमिली को, मैसूर में साउथ इंडिया में ही लोग जानते हैं, मुझे भी नहीं पता था। एंड 575 साल किसी एक फैमिली ने, एक रॉयल फैमिली ने रूल किया कहीं पे, सो डेफिनेटली इट शुड बी अवेलेबल एट ए लॉट ऑफ प्लेसेस इन आवर हिस्ट्री बुक्स, पर पता नहीं इतना हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा। मैसूर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को टीपू सुल्तान ही पता चलता है कि टीपू सुल्तान मैसूर के किंग थे, बट टीपू सुल्तान ने तो बहुत कम पीरियड में यहाँ पर रूल किया है, मैक्सिमम पीरियड में तो यहाँ पर वोडेयर फैमिली ने ही रूल किया है। सो
दिस इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट अवर हिस्ट्री के हम लोग को हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है. रियली अवर एक्चुअल ग्रैंड हिस्ट्री शुड बी टॉट मच मोर इन डिटेल टू अवर किड्स. सो गाइज, दीज आर दी मेन प्लेसेज ऑफ मैसूर दैट वी विजिटेड सिंस यस्टरडे. अब इस ब्लॉग को यहाँ पर ही रोकते हैं. कुछ और जगह बची है मैसूर में देखने की, और हमारे पास आज दोपहर से लेके कल दोपहर का टाइम और है. सो ऑल दोज प्लेसेस आई विल कवर इन नेक्स्ट व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में कुछ फूड भी ट्राई करेंगे मैसूर का. यहाँ के कुछ फेमस लोकल कुजीन दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में. सो अब इस व्लॉग को यहाँ पे बंद करते हैं. बाकी का मैसूर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और फिर नेक्स्ट व्लॉग भी आप जरूर देखिएगा मैसूर का. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे.